तो छाता लेके जा रहे हो, भीग जे हो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के यार 9:30 बज रहे हैं, और आज शाम को यार मेरा एकदम पोपट हो गया, क्योंकि शाम को मैंने यार वीडियो एक्सपोर्ट किया और उसके बाद अपलोड पे लगा दी, और फिर मैंने फ़ोन को ऐसे ही रख दिया यही नीचे ही रूम पे ही अपने। और मैं लेट गया क्योंकि टीवी चला रहा था फ़ोन से ही। तो फिर उसके बाद मैंने कहा, ठंड थी तो मैंने बिस्तर में सो गया। मैंने कहा थोड़ी देर बाद ऊपर जाऊंगा, समथिंग 12 बजे के बाद, तो उसके बाद अपलोड कर दूंगा। लेकिन भाई मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन भाई एकदम सुबह मेरी नींद खुली, मैंने देखा भाई कहीं मेरा ब्लॉग अपलोड तो नहीं हो गया या नहीं हो पाया। तो जब मैं सुबह उठ के देखा तो भाई ब्लॉग मेरा अपलोड पे रह गया था थोड़ा सा, तो फटाफट से ऊपर गया कि भाई अपलोड करता हूँ, नहीं तो आज का तो लेट हो जाएगा। फिर फिलहाल तो 8 बजे एकदम आप लोगों को मिल गया होगा ब्लॉग, क्योंकि मैंने टाइमिंग पे एकदम अपलोड कर दिया था। वही शाम को पता ही नहीं चला कब मैं सो गया। तो अभी यार सुबह का नाश्ता अपना आ चुका है, और सुबह के नाश्ते में है पराठे एंड चाय। तो चाय पराठा खाते हैं यार, फिर देखते हैं आज क्या करना है। और आज यार शाम को पानी बरसा है, तो पूरी यार ज़मीन गीली है और बादल आ गए हैं आज फिर से, क्योंकि कल घाम निकल आया था, लेकिन आज सुबह सुबह ही बादल हैं और हर जगह गीला है। तो देखते हैं आज क्या करना है। अभी क्या नाश्ता वगैरह करके मैं यहाँ बाहर आ गया था, और आप लोग आसपास देख सकते हो भाई पत्तियाँ पत्तियाँ डल रही, क्योंकि पतझड़ का मौसम शुरू हो गया ना, देख रहे हो हर एक पेड़ के नीचे तुम्हें पत्तियाँ बहुत मिलेंगी। अभी मैं यहाँ पे खेल के मैदान के पास में आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैच हो रहा है। तो देखते हैं थोड़ी देर, फिर चलते हैं घर पे, कुछ काम होगा तो। तो गाइस यार अभी मैं घर पे हूँ, और हमारे यहाँ पे एकदम बड़ी तेज से बारिश हो रही है। अभी समथिंग 1 बज रहा है, लेकिन हल्का हल्का धूप जैसी दिख रही है, लेकिन पानी बात बहुत तेजी से गिर रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे एक तसला रख दिया पानी भरने के लिए, और यहाँ से जा रहा है पानी, और यहाँ पे सब ये गिर रहा है पानी। भाई अंदर देख लो, सो आंखों छुए तो नहीं रहो है। हम कमरा में देखे जाए, कमरा में और देख एक हम देख देख तो लो तुमने पहले वैसे। तो गाइस यार कमरा में चेक करते हैं कहीं पे पानी तो नहीं गिर रहा है, क्योंकि ऊपर छत है वो सब कच्ची है, और यहाँ से पानी आता है। तो आपको यहाँ पे लाइनें दिख रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे पहले पानी एक दो बार गिरा है, इस वजह से यहाँ पे देखना पड़ता है कहीं गिर तो नहीं रहा है। तो फिलहाल तो अभी नहीं आया है, और इधर की साइड ही देख लेता हूँ, इधर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कोनों से ही आता है यार पानी। इधर की साइड सब देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बेड पड़ा हुआ है, ये मेरा बिस्तर है, यहीं पे मैं लेटता हूँ। और यहाँ पे इस पर्दे के पीछे पीछे भगवान जी हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं, तो इसके पीछे हैं, वो बंद कर देते हैं, फिर जब पूजा करते हैं तब खोलते हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ता है, और यहाँ से और भी गिरता है यार पानी इस जगह से। तो हर जगह पे देखना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे लेंटर नहीं है, तो अभी फ़िलहाल हर जगह पे कच्चा है, तो इसलिए इस वजह से जब पानी गिरता है थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पानी यार चूने लगता है, तो देखना पड़ता है। तो यार पानी हो रहा है, बाहर भी चल के देखते हैं सबके यहाँ पे। भाई सब लोग बैठे होंगे चुपचाप से, भाई देख रहे हो, और नीम की पत्तियाँ भी यार गिर रही पानी की वजह से, और भी क्योंकि पतझड़ तो वैसे भी पहले से ही शुरू है। और ऊपर देखो तो भी, तो भाई यार हो सकता है कि पानी पूरे दिन ही बरसता रहे, और हो सकता है थोड़ी देर में बंद भी हो जाए। तो देखते हैं यार क्या होता है, कब तक बंद होता है पानी। देख नाली देखो, नाली कच भर के चल रही है। आ तो पूरे दिन बरसे, फटो छाता लेके जा रहे हो, भीजे हो ना जाओ, सानी कर दी है गोरू बांधे ना, हाल बरसल लग होता है। कोई नहीं, चलो थोड़ी देर में बांध दियो बाबा, जो भीज फालतू में। हाँ देखो तेज हो रो पानी है कुछ। तो भाई यार अभी थोड़ी देर के लिए पानी बंद हुआ था, और फिर से यार पानी तो बहुत ही जोर से बरसने लग गया है, देख रहे हो। मतलब टीन में पानी गिर रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, और इधर पूरा एकदम पनारा भर गया है, जो भर के चल रहा है भाई, कितनी जोर से पानी गिर रहा है। तो अभी मैं यार टेबल वगैरह हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से पानी आने वाला है, क्योंकि काफ़ी देर से बरस रहा है, सुबह से बरस रहा है, इसलिए टेबल यहाँ पे है, यहाँ पे टीवी रखी है इस टेबल पे, तो यहाँ पे पानी इस पे गिरेगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ दीवार से, ताकि अगर पानी गिरेगा तो इधर गिरेगा गैप में यहाँ पे।
और थोड़ी थोड़ी देर में यार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी पानी यहाँ से गिर सकता है और यहाँ पे बिस्तर पे भी आ सकता है, तो ये सब देखना पड़ेगा और अंदर के रूम से भी जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई सुबह से पानी बंद ही नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के लिए बंद हुआ और फिर से बरसना अभी शुरू हो गया है। तो अभी यार पानी बंद हो चुका है और मैं भी यहाँ पे बाहर आया था अपने जानवरों के पास, जहाँ पे जानवर मेरे बनते हैं। तो देख सकते हो मेरे जानवर भी भीग गए, और भाई हर जगह पे पूरा मिट्टी गीली हो गई है, तो इस वजह से हर जगह किचपिच है। भाई गिरने का भी ऐसे में डर रहता है, अगर कोई स्पीड में निकल जाए ना तो गिर भी सकते हो। तो हर जगह पे किचपिच है, पानी भी आप लोगों को भरा हुआ दिख रहा होगा। तो अभी यार मैं बाहर था, तो अभी चलता हूँ घर वापस, क्योंकि यहाँ पे भाई ठंड भी है, अभी पानी हो गया तो ठंड भी बढ़ गई है, हवा चल रही है और चारों तरफ भाई नीम की पत्तियाँ पत्तियाँ पड़ी, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे नीम के पेड़ कुछ ज़्यादा ही खड़े हैं और कुछ एक दो पेड़ ऐसे ही दूसरे कुछ हैं। तो अभी चलते हैं यार घर पे, क्योंकि अब कुछ है नहीं करने के लिए, तो घर ही चलते हैं यार, आराम से बैठते हैं चल के वहाँ पे। अभी पानी शुरू हो गया है और मैं अभी घर पे हूँ, और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अभी टोपी ओपी लगा रखी है, आप लोग देख ही सकते हो यार। पानी अब बंद होने का नाम नहीं ले रहा, थोड़ी देर के लिए बंद होता है फिर से शुरू हो जाता है। तो ये पीछे देख सकते हो आप लोग पानी बरस रहा है, तो आज भाई पूरा दिन ऐसे ही निकल गया पानी बरसते बरसते, और अब लग रहा है ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एक बार शुरू हो जाता है ना यहाँ पे पानी तो डेली का है, फिर ऐसे ही बरसता रहता है। और कल गाइस 26 जनवरी है, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन क्योंकि ऐसा पानी बरस रहा है मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी होने वाला है सही से, तो देखते हैं वो तो कल ही पता चलेगा फिर। तो अभी यार मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर ली है और अभी मैं जा रहा हूँ वीडियो को अपलोड करने, ऊपर जाऊँगा। तो पानी यार अभी भी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, पूरा दिन हुआ है अभी भी हो रहा है, और शायद यार कल भी हो, क्योंकि कल 26 जनवरी है। तो कुछ हमारे गांव में स्पेशल होता था हर साल, बट मुझे नहीं लग रहा है कि इस साल होगा, क्योंकि इस बार तो पानी बरस रहा है, कल भी बरसेगा ऑफकोर्स यार, अभी बरस रहा है तो सुबह भी बरसता ही मिलेगा। देखते हैं, अगर यार पानी बंद हो गया तो देखते हैं कुछ होगा शायद से, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं अब। तो यार इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, होप करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए यार टेक केयर एंड बाय।